नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। जनपद में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर। डीएम कार्यालय के बाहर लेखपाल के उत्पीड़न से त्रस्त युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। बलाहो कलेक्ट्रेट के सुरक्षा कर्मियों का जो मोरंग व्यापारी की बचाली जान। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। खुद को जला लेने के नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत यदि पास से भी गुजर जाए तो कपकपी दौड़ जाती है। खुद को जला लेना कोई मामूली बात नहीं, उसके पीछे ना जाने कितने कष्ट होंगे, दर्द होगा जिसके कारण मोरंग व्यापारी ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेखपाल के उत्पीड़न से त्रस्त आखिर मोरंग व्यापारी ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खुद को जला लेने का प्रयास किया। अगर सुरक्षा कर्मियों ने जरा सी भी लापरवाही बरती होती तो अनर्थ हो जाता। और ये खबर है हमारे संवाददाता ठाकुर अतुल प्रताप सिंह की। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मोरंग व्यापारी विक्रांत सिंह राणा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एसआईयू के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने अपनी सूझबूझ व सक्रियता दिखाते हुए सबसे पहले विक्रांत सिंह के हाथों से माचिस छीन ली, जिससे अनहोनी होने से बच गई। घटना के दौरान जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जी एनआईसी में मौजूद थे। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर आ गए, जहां उन्होंने प्रकरण की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। विक्रांत सिंह राणा ने बताया कि लेखपाल आशुतोष दुबे ने विक्रांत की करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा कर ली, जिसको लेकर विक्रांत सिंह परेशान चल रहा था। कुछ समय पूर्व भाजपा सांसद से भी विक्रांत सिंह राणा ने लोहा लिया था। मौके पर एसडीएम भी पहुंच गए। विक्रांत सिंह राणा ने इसकी सूचना एक दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर की थी। वह अपने बीवी बच्चों सहित कलेक्ट्रेट पहुंचा था। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।